लॉकडाऊन पासून 45 दिवस सांगलीत अडकून पडलेल्या परप्रांतीय मजुरांना सांगलीतून उत्तर प्रदेशसाठी भेट नेण्यासाठी आज पहिली रेल्वे रवाना होत आहे. या विशेष श्रमिक एक्सप्रेसमध्ये महापालिका क्षेत्रासह आजूबाजूच्या 1100 परप्रांतीय कारागीर 45 दिवसानंतर आपल्या गावी परतणार आहेत. लॉकडाऊन पासून 45 दिवस सांगलीत अडकून पडलेल्या परप्रांतीय मजुरांना सांगलीतून उत्तर प्रदेशसाठी नेण्यासाठी आज पहिली रेल्वे निघणार आहे. या विशेष श्रमिक एक्सप्रेसमध्ये महापालिका क्षेत्रासह आजूबाजूचे 1100 परप्रांतीय कारागीर 45 दिवसानंतर आपल्या गावी परतणार आहेत. हे सर्व परप्रांतीय कारागीर महापालिकेच्या निवारा केंद्रात गेली 45 दिवस वास्तव्य होते. या 45 दिवसात या सर्वांच्या खाण्यापिण्यासह राहण्याची सोय सांगली महापालिकेनं केली होती. यासाठी महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस आणि प्रशासनानं अथक परिश्रम घेत या सर्व परप्रांतीयांची चांगली सोय केली आहे. सांगली महापालिकेच्या या सुविधांबाबत गावी परतणाऱ्या मजुरांनी आभार मानलेत, तसंच मोदी आणि योगी सरकारचे सुद्धा आभार मानले आहेत. आज रात्री 8 वाजता मिरज स्थानकावरून ही विशेष रेल्वे गाडी सर्व परप्रांतीय कामगारांना घेऊन उत्तर प्रदेश गोरखपूरकडे रवाना होत आहे. यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. मी शीतल उपाधे, वार्ड नंबर 10 नोडल ऑफिसर आहे. या वार्डामध्ये 220 आसपास आपल्या एंट्री झाले, त्यापैकी 67 लोकांची यादी आज फायनल करून आपण त्यांना 2 बेसेसमध्ये आपण त्यांना नेण्याचं नियोजन केलेलं आहे. यामध्ये शक्यतो आपण शासनाकडनं पहिल्यांदा स्टार्टला आपण पैशाचं नियोजन केलं होतं, परंतु शासनाचा सध्या फ्रीमध्ये सगळ्यांना देण्याचं नियोजन केलेलं आहे. त्यानुषंगाने आज संध्याकाळी रात्री 8 वाजता त्यांची रेल्वे निघणार आहे. आणि या संदर्भात माझ्याकडील जे समन्वय अधिकारी आहेत, जे वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक आहेत, बाकीचे जे लोक आहेत, त्यांनी चांगल्या प्रकारे कामासाठी केलेली आहे. काय व्यवस्था कशी होती काय आपली? सगळ्या लोकांची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे पण केलेली आहे. आणि या ठिकाणी महापालिकेने सुद्धा आम्हाला आहे त्यावेळी सगळ्या लोकांना सहकार्य करण्याचं नियोजन करून त्या पद्धतीने आम्ही काम केलेलं आहे. हां सर, मेरा नाम मोहम्मद साजिद आहे और सर मैं सांगली में हूँ, वार्ड नंबर 10 में. और सर यहाँ के जो भी हमारे कर्मचारी थे काम पे, जो हमें बुलाए थे इधर, सर उन्होंने बहुत अच्छी सर सर्विस दी हमें और काफ़ी परेशानी उठाई इन लोगों ने हमारे लिए सर. और इतना अच्छे से सर हमें गांव भेज रहे हैं ये लोग, हमें सर बहुत खुशी मिल रहा है आज अपने गांव जाने के लिए. और सर हम इस बात का सोच रहे हैं कि हम योगी सरकार को, मोदी सरकार को भी धन्यवाद करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से. सर जितने भी हमारे मजदूर लोग हैं सबके लिए हम यही कह रहे हैं कि सब लोग अपने घर पहुँचें और सबको ऐसी जो हमारे यहाँ पर काम जो लोग करें इसी से सब लोग काम करें. जो भी हमारा नगर पालिका के लोग हैं इनने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी और एक एक कॉल हमारी एक एक मिनट में सब काम कराया हमारे लिए. सर धन्यवाद, सबका ऐसा ही होना चाहिए. सर खाना और सुविधा इंतजाम कैसे थे यहाँ पे? सर सब बहुत बढ़िया, एक पैसा नहीं लगाया हमारा, ना कोई पेपर में पैसा लगाया, ना किसी दिन पैसा लगाया. लोग अखबार उड़ा रहे हैं कि पैसा लग रहा है या सरकार पैसा ले रहा है. सर यहाँ कुछ नहीं लगा किसी का और सब बहुत अच्छे से किया है. एक रुपया हमारा कहीं नहीं लगाया सर अभी तक, तो आगे का देखें क्या होगा. अभी भी आप बिना पैसे ही जा रहे हैं ना? हाँ सर बिना पैसे के जाना, कोई पैसा कहीं नहीं लगाया हमारा सर पैसा कोई. सर यहाँ हम 45 दिन से रह रहे हैं, हमारे को 2 टाइम खाना मिल रहा है. हम यहाँ फार्म भरे, सब अच्छा हुआ, सब हमारे सर लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे इंतजाम के लिए स्टी किया, हमारा देखभाल किया, सब व्यवस्था पानी वानी सब किया है. सब हमारा अभी गांव जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है. हमारे लिए जो सर किए बहुत अच्छा किए. कुछ तकलीफ हुई यहाँ पे? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई. खाना कैसा था? खाना अच्छा था सर. बाकी कोई सुविधा? सब सुविधा अच्छी थी सर यहाँ. कितने लोग हैं यहाँ पे आप? यहाँ हम 15 लोग हैं. अब कहाँ कहाँ से है? सब यूपी से हैं, बरेली से हैं और सब लोग हैं. सबको सब खाना मिलता था सबको 2 टाइम. और क्या क्या कारा, कौन सा कारागिर है ये सब? ये सब सोफे का है, कोई लकड़ी काटता है, कोई लकड़ा उठाता है, सब ऐसे ऐसे कारागिर में. ठीक है, आपके आप कितने दिन से यहाँ पे? यहाँ 45 दिन हो गया सर. हाँ अभी कैसे लग रहा है, आप गाँव जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर. ठीक है, आप आपके और लोगों को क्या आप ये बोलना चाहेंगे कि आपकी ओर से आपके गांव के लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर आपके लिए सब आप लोग की दुआ है कि हम लोग पहुंच रहे हैं गांव, बस इतना ही है. सब लोग आपको दुआ देंगे सर हम लोग गांव पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम बताओ, मेरा नाम ज्योति सहानी है. यहाँ से मैं गांव जाने वाली हूँ. यहाँ पर सब कुछ अच्छा सुविधा मिला है नगर पालिका में. बस से उसके बाद क्या क्या सुविधा मिली यहाँ पे, रहने का खाने का क्या इंतजाम कैसा था? रहने का खाने का अच्छा इंतजाम था, इसलिए मुझे जाने में बहुत अच्छा.